हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्राइड एंड टेस्टेड इजी लाइफ हैक्स। आज एक सिंपल सा ट्रिक लेके आई हूँ जिसके थ्रू आप अपने ओल्ड ब्लाउज को, जो सिंपल ओल्ड ब्लाउज है उसको ओल्ड शोल्डर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजाइनर ब्लाउज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो मैं बताऊँगी। जो कि फिटिंग को आपको कुछ नहीं करना है, उसको सिंपल ब्लाउज को ओल्ड शोल्डर में किस तरह से चेंज कर सकते हैं जिससे डिजाइनर बन सकता है वो बताऊँगी। सिंपल सा ट्रिक है, आपके पास जो भी ब्लाउज हो, जैसे ये मेरा स्लीव वाला ब्लाउज है, ये देखिए इस तरह की स्लीव्स है, इसमें दोनों स्लीव्स इस तरह की हैं। अब स्लीव्स हैं, मुझे कोल्ड शोल्डर बनानी है, ये कोल्ड शोल्डर बनानी है तो इसके लिए मैंने इसे नीचे बिछा देंगी। नीचे बिछा देने के बाद आपको इसे नीचे बिछा देना है। कोई भी राउंड शेप का, ये मेरे पास कटोरी है, कटोरी ले रही हूँ, आपको जिस साइज़ में आपको करना हो, आपका राउंड शेप देना हो उस साइज़ में इसको, उसका आकार का बर्तन ले लीजिए या कोई भी ढक्कन ले लीजिए, राउंड शेप में ले लीजिए, राउंड शेप में, या फिर आप स्क्वायर शेप में डालना चाहते हैं या फिर किसी भी शेप में डालने, उस शेप का चीज़ ले लीजिए। लेने के बाद इसको यहाँ से देखिए, ये चीज़ है ना, किसी किसी को यहाँ तक का ऑफ शोल्डर चाहिए, किसी को इस जो शोल्डर से नीचे वाले बाजू में ही चाहिए, जिसको बाजू में चाहिए वो बाजू के ऊपर इस कटोरी को रखे और जिसको ऊपर से चाहिए वो दोनों के बीच में कटोरी को रखे। जैसे कि मैं रखूँगी यहाँ पर, ये इस तरह से मेरे को ऊपर से चाहिए थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पर रखूँगी इस कटोरी को, इस साइज में रखा। देखिए ये नीचे लगा के बताती हूँ मैं आपको, ये इस तरह से कटोरी को रख लीजिए। हाफ हाफ कटोरी जो होती है ना, हाफ इसका हाफ हिस्सा आधा बाहर जाए और आधा हमारे इसके ऊपर जाए। अब इसके आ जाने के बाद आपको चौक लेना है या जो भी आपके पास टेलरिंग चौक है उससे इस पर ऐसे राउंड बना लीजिए। जो भी शेप है आपकी, जिस शेप में काटना चाहते हैं उस शेप को बना लीजिए। देखिए ये मैंने शेप बना ली है, ये इस तरह की। मुझे यहाँ से थोड़ा सा शोल्डर से चाहिए तो मैं यहाँ से बनाऊँगी, और आपको शोल्डर से नहीं चाहिए केवल बाजू बाजू में चाहिए तो इसको आप ऐसे रख सकते हैं, हाफ में, हाफ ऊपर जाए और हाफ नीचे, इस तरह से रख सकते हैं। और इसी तरह से दूसरे में बना लीजिए, दूसरी बाजू में भी इसी तरह से बना लीजिए। और उसके बाद आपको इसकी जहाँ से जहाँ जहाँ लाइनिंग है उसकी कटिंग कर दीजिए। जितनी भी लाइनिंग ली है आपने, इससे कम भी चौड़ा रख सकते हैं, छोटा छोटा कोल्ड शोल्डर रखना है तो आप छोटी छोटी पे कर दीजिए, और इसको और आधे से भी कम कर लीजिए, इतना कर लीजिए, जितने छोटा राउंड भी कर सकते हैं आप, जितना जैसा चाहिए, और बड़ा चाहिए तो यहाँ तक आप बड़ा भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं इस तरह। राउंड जहाँ पर जहाँ जहाँ पर लाइन बनी रही है उस लाइन को जो आपने बनाया उसको काट लीजिए। देखिए इस तरह से आप, इस तरह से आप अपने किसी भी टॉप को या फिर जो भी फिटिंग कर रखी है आपकी, उस तरह से आप इसको कोल्ड शोल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। काट लिया है मैंने। अब काटने के बाद आपको क्या करना है, एक दूसरी पट्टी लगा सकते हैं या तो आप, और या फिर इसी को ऐसे करके अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर लीजिए पूरे पे, इस तरह से। देखिए अब आप, मैं तुरपाई करती हूँ फिर मैं बताती हूँ। देखो ये इस तरह से यूँ करके ये मैंने पूरी तुरपाई कर ली है, पूरी तुरपाई कर ली है। ये देखो पूरी पे मैंने इस तरह से, देखिए तो पूरे राउंड पे तुरपाई कर ली है दोनों पे, कोई पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल इसी में से कपड़ा लेकर नीचे की तरफ ऐसे करके उसको मैंने पूरे पे तुरपाई कर ली है। अब ये डिज़ाइनर होके तैयार है, इस तरह से देखिए ये। और इसमें आपको फिटिंग भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अकेले लगाते सिंपल तो आपको बैठता नहीं बैठता दिक्कत होती, तो प्रॉब्लम होती है इस तरह से। अब मैं आपको पहन के बताऊँगी ये किस तरह से लग रहा है, इस तरह से आप बना सकते हैं अपने ब्लाउज को, सिंपल ब्लाउज को, डिज़ाइनर ब्लाउज। देखिए ये मेरा कोल्ड शोल्डर ब्लाउज तैयार है। अगर आपको लगे कि लूज है यहाँ से तो यहाँ से टाइट कर सकते हैं आप। फिटिंग में कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, कोई चेंज नहीं करना है, फिटिंग जैसी है वैसी रहने दीजिए और कोल्ड शोल्डर हो गया। आपको अगर इतना नहीं चाहिए तो आप इसको छोटे साइज़ में भी काट सकते हैं, छोटा राउंड लीजिए और देखिए दोनों तरफ साइड में ये बराबर का डिज़ाइनर ब्लाउज तैयार है। और आप इससे सूट में भी कर सकते हैं इसी तरह से, फिटिंग में नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टेलर के पास जाएंगे कोल्ड शोल्डर ब्लाउज बनाने तो वो काफ़ी पैसा, कोल्ड शोल्डर के नाम से ही काफ़ी पैसा ले लेगा आपसे। और आप सिंपल सिलवाइए, सिलवाने के बाद केवल यही जो मैंने अप्लाई किया है वो कोई भी ढक्कन लगा के, गोल वाला ढक्कन लगा के या कैसा भी शेप में आप ढक्कन लगाइए और फिर करिए इसको, तो फिर आपका इजी वे में आप अपने आप से घर से कर सकते हैं। किसी तरह की इसमें फिटिंग वगैरह देने में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहों को लगाओगे इस तरह से, बाहों में प्रॉब्लम आती है कि आप कोल्ड शोल्डर किस तरह से लगाओगे, तो बाद में कटिंग
बनने के बाद ब्लाउज फिर काटिए और आप अपने आप को कोल्ड शोल्डर बना सकते हैं। देखिए तो पूरी तरह से अच्छी तरह से बन गया है और लूज लगे तो यहाँ से फिटिंग दे दीजिए, बाहों को टाइट कर लीजिए, लूज ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।